हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हो। धन्यवाद आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे बनाए स्वेटर पसंद करने के लिए। ये मैंने एक ब्लेजर बनाया, मेरा फेसबुक पेज है उससे भी लाइक। ये मैंने एक ब्लेजर बनाया, देखा था कहीं, मुझे अच्छा लगा। इसके लिए हमें 300 ग्राम की चाहिए, ब्राउन वाली डार्क कलर आप अपनी चॉइस से कोई भी ले लो। 10 नंबर से बनाया मैंने, आप अपनी सिलाइयाँ उनके हिसाब से लगाइए, जैसे आपकी होंगे उसी हिसाब से। ये 16 बटन चाहिए, 25-30 ग्राम करीब ये चाहिए पान कलर के। और एक ये मैंने छोटा बनाया है, 1-1.5 साल की बच्ची के आगे। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसमें 35 फंदे डालें और इसमें 40, और 16 16 सिलाई दोनों बनाई, 32 सिलाइयाँ बनाई, जिसकी ये 16 सिलाइयाँ सीधी सीधी। ये जो जिसमें ज्यादा फंदे हैं अब यहाँ से ये 35 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, 5 फंदे रहने देंगे, ये इसे जोड़ेंगे इसको ऐसे। इसको पहले गांठे लगा लो। अब एक फंदा इसका और एक इसका, दो का एक फंदा, 5 फंदे ऐसे बंद कर दिए। पूरी सिलाई सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई, फिर अगली सीधी जो आएगी उसमें यहाँ ये 2 फंदे उतरेंगे, 34 फंदे इधर 34 इधर, 2 फंदे बीच के उतारे जाएंगे। अब इधर से भी सीधी उल्टी तरफ से, अब 34 फंदे बना के ये 34 फंदे बना लिए। अब उन आगे करके ये दोनों फंदे ऐसे उतार रहे हैं, पीछे उन, अब ये भी 34 सीधे उल्टी तरफ से पूरी, ये दोनों फंदे सीधे ही बनेंगे, पूरी सिलाई सीधी बनेगी तो ये दोनों सीधे बन जाएंगे। 2 फंदे उधर भी तो उतारे थे, ये दो सीधे अगले सिलाई में फिर उतार। अब वही उल्टे फंदे इधर से ऐसे करके ये दो सीधे ऐसे उल्टा करके फिर उतारने, पता चल जाएगा या निशान लगा लीजिए। ये सीधा सीधे हैं, ये यही उतरेंगे तो उधर से ऐसे उल्टी घूम करके उतारने, इधर सीधे बनाने। ऐसे हम 18 सिलाई बनाएंगे, ये हमने 16 बनाई थी, अब आगे हम ऐसे उतारते हुए फंदा 18 सिलाइयां बनाएंगे। ये अब 18 सिलाइयां पूरी हो गई, 12 फंदे इधर 12 इधर इसी कलर से बनाएंगे, और 46 फंदे ये अलग, इसकी 4 सिलाइयां हम बनाएंगे सीधी उल्टी, और साइड वाले सीधे सीधे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12। अब ये वाला अब 46 फंदे बिनेंगे इसी कलर से, और इस सीधे सीधे बनाएंगे उधर से उल्टी सिलाई, इतने ही फंदे बनाने हमें 46, ये वाले सीधे
ये दो फंदे हमने जो उतारे थे सीधे वाले, उसे ऐसे ही बनाने हैं, उतारने नहीं। ये 46 नहीं 47 फंदे आ रहे हैं, क्योंकि इधर 12 एक और हो गया। अब यहाँ दूसरा कलर लगाएंगे, मतलब कलर यही होगा, दूसरी ऊन लगाएंगे। ये 12 फंदे ऐसे सीधे बनाने। अब उन आगे ये उल्टी सिलाई यहाँ तक, और फिर ये 12 फंदे जो हैं इस वाली ऊन से सीधे। अब इसको बारह फंदे वैसे सीधे बनाएंगे, और ये सीधे उल्टी दो सिलाई और बनानी है, एक इधर सीधी और एक उल्टी, जैसे हमने बनाई है वैसी बनानी है। अब ये जैसे दो फंदे हमने यहाँ उतारे थे वैसे ही फिर उतारेंगे ये वाले। पूरी सिलाई सीधी, ये दो सीधे बन जाएंगे ऐसे जैसे हमने उतार के बनाई, ऐसे 18 सिलाई हमें बनानी। अब ये दो वाले सीधे, ऐसे 18 सिलाइयां बनाएंगे, ये लंबाई आपको बढ़ानी है। 18 सिलाइयां हमारी पूरी हो गई। अब ये 6 फंदे इधर 6 इधर, फिर एक एक सात सात फंदे घटाने दोनों तरफ, 6 एक बार में और एक एक बार, एक दो तीन चार पांच छह। अब पूरी सिलाई सीधी बनानी, अब 6 उल्टी तरफ भी, एक दो तीन अब एक घटाएंगे। देखिए इसको उतार लेंगे ऐसे मोड़ के, फिर ये दो का एक करेंगे। पूरी सिलाई सीधी, अब एक और इधर इधर उल्टी तरफ घटाएंगे ऐसे जैसे हमने पीछे उधर घटाया। देखिए अब 26 सिलाइयां हम ऐसे उल्टी उल्टी डालेंगे, उसके बाद अगर कम लगेंगी तो और बढ़ा लेंगे, फिर मुड्डा हो जाएगा तब इसको बंद करेंगे। ये हमारी सिलाइयां पूरी हो गई, अब हम यहाँ फंदे घटाएंगे मुड्डे के, पहले 7 फिर 7 इधर भी। चौदह फंदे रखेंगे मुड्डे के, दो तीन चार पांच छ सात। और 7 फंदे इधर घटाएं,
अब सात फिर घटाएंगे। तो देखिए ये फंदा उतारा, इसको ऐसे मोड़ के फिर ये एक फंदा घटाया, तो दो तीन चार पांच छः सात एक दो तीन चार पांच छः सात ऊपर कंधे के हमारे, इसमें 70 फंदे डाले थे पीछे वाले में और इसमें 35-35 डाले, और 6-6 फंदे पट्टी के बटन पट्टी, इसमें हम काज बनाएंगे इस वाले में और इसमें बटन लगाएंगे, कुल टोटल 41 फंदे हैं। इधर ये सेफ दिया है इसमें और इस वाले में इधर, बाईस फंदे सीधे सीधे बनेंगे पहले। ये 22 फंदे बन लिए, 19 फंदे हैं, जैसे हम एक 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 बार जैसे इधर घुमाएंगे तो एक, अगली बार दो, फिर एक, फिर दो, एक दो, ऐसे करके लास्ट में हमारा एक फंदा है। अभी हमने 22 फंदे बिने थे, यहीं से मोड़ दे रहे, अभी इसमें से एक फंदा नहीं लिया, अभी ये फंदा उतारा और ये 22 फंदे ऐसे बनाने, अब ये दोबारा 22 फंदे बिनने, अभी उतारा फंदा था उसको ऐसे घुमा के बिनना, अभी 19 फंदे जो हैं इसमें से एक फंदा बनाएंगे। अब इसको मोड़ा, अब यहाँ 18 फंदे बचे, ये उतारा, फिर हम वैसे बनाएंगे, फिर इधर से मोड़ेंगे, जब यहाँ दूसरी सीधी तरफ से आएगा तब फिर एक फंदा इसमें से दो फंदे लेंगे। देखिए पहले हमने 19 फंदे थे, 18 बचे, एक फंदा लिया था, अब दो, एक दो, फिर इधर मोड़ेंगे, फिर वैसे बुनेंगे पूरी सिलाई, ये इधर बुन के आएंगे, फिर उधर से बुनेंगे, तब फिर एक फंदा बनाएंगे, पहले एक बनाया फिर दो अब फिर एक, ऐसे ही हम लास्ट फंदा हमारा एक रह जाएगा, तब तक हम ऐसे ही बनाएंगे। एक फिर दो फिर एक फिर दो फिर एक, ऐसे ही हम ये लास्ट में हमारा ये फंदा है वो ऐसा तिकोना बन जाए। अभी एक फंदा रह गया, अभी एक पूरी लाइन सीधी बनाएंगे, अब यहाँ एक जैसे इसमें लगाई सेफ्टी, ये मार्का या सेफ्टी कुछ भी निशान लगा, अब हम 16 लाइनें बनाएंगे ऐसी उल्टी उल्टी, उसके बाद जेब बना, 22 फंदे बनेंगे पहले,
ये चार फंदे ऐसे गए, चार इधर छोड़ेंगे, फिर एक एक करके ऐसे बनाएंगे। अभी चार फंदे इधर बीच, अभी इधर मोड़ेंगे, एक फंदा यहाँ बनाएंगे। अब ये जैसे हमने इसमें बनाया था वैसे ही बनाना है। अब एक फंदा ये भी, तीन बचेंगे, इधर से मोड़ लेंगे इसको। अब एक इधर ये चार हैं, ऐसे एक करके हमें ये पूरे फंदे बनाने, एक एक करके। अब ये लास्ट फंदा रह गया इधर, एक जीव अभी तीन लाइनें और बनाएंगे ऐसी उल्टी उल्टी, छह सिलाई बनाएंगे तो तीनों, ये आठ सिलाइयां हैं पूरी। दो चार छ आठ, अब छह सिलाइयां हम इससे बनाएंगे, वो सीधी उल्टी बनाएंगे, सीधी सीधी नहीं बनानी। इसको उतारना नहीं है, ऐसे ही बनाना, चार और बना के फिर। अब इसके पहले इधर छह फंदे आएंगे, फिर 26, ये 26 और इधर 9, पहले छह फंदे बना के फिर इसे जोड़े। अब एक फंदा इसका और एक फंदा इसका, दोनों का एक करना है। पहले इसी को गांठी लगा, छब्बीस फंदे हमें ऐसे बंद करने हैं। अभी 9 फंदे, 3 6 9 ऐसे बनाने। अभी सिलाई पूरी सीधी, फिर इसमें यहां सिलाई लगाएंगे। अब इसको सिलाई करेंगे यहां से, देखिए ये 9 फंदे हमने इधर रखे थे, तो 9 फंदे छोड़ के एक फंदा इसका, और ये तीसरी लाइन से
ऐसे करके हम एक एक फंदा इसका और एक फंदा इसका ऐसे यहाँ से सिलाई पूरे 26 फंदों की लगा। अब हम ऐसे ऊपर जैसे हमने यहाँ फंदे उतारे थे वैसे उतारते हुए पीछे के पल्ले के बराबर बनाएंगे। अभी इसे काटेंगे नहीं, अभी जब पूरा स्वेटर बन जाएगा फिर इसे खोल देंगे। जैसे हमने पल्लों में लगा दिया ये सेट हो जाएगा ऐसे। अभी 20 फंदे बिनेंगे फिर दो फंदे उतारेंगे जैसे हम उतार रहे थे इसमें, और फिर इधर 19। अभी दो फंदे अब ऐसे ही हम पूरा बनाएंगे जब तक इसके बराबर लंबाई नहीं हो जाए, फिर घटाएं। ये दो फंदे उतारते रहेंगे। पीछे ये पूरी कुल टोटल 55 सिलाई है, और इसके बाद हमने यहां से ये 24 है, इसके बराबर ये पूरा हो गया। ये सिलाई इधर से बिनेंगे यहाँ घटेंगे 6 फंदे, पीछे 6 घटाएं तो 6 इसमें। अब ये 6 फंदे घटाएं। अब 2 घटाएं। अब देखिए एक सिलाई ये प्लेन बनाएंगे, ये घटा दिए, अब नहीं घटाने। आप चाहें तो यहाँ से मार्कर लगा के निशान लगा लें, जैसे एक सिलाई ये बना के फिर फंदे बढ़ेंगे। देखिए अब ये 2 फंदे बनाएंगे पहले और एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हमारा ये वही हिस्सा बन रहा है। अब ये उतारे जो ये उतारे ये सीधे बनाने पूरे।
अब ये भी प्लेन उल्टी तरफ से और एक सीधी, फिर प्लेन ऐसे फंदा नहीं बनाएंगे, एक ऐसी बनाएंगे, फिर अगली सीधी जो आएगी उसमें फंदा बनाएंगे। 1 2 3 4 8 फंदे और बटाने, 4 इधर 4 उधर। अभी 2 फंदे उतारे हुए हैं, ये भी घटा लेंगे। अभी 11 फंदे बंद कर दें पूरे। अब यहाँ से हमने 10 सिलाइयाँ बनाई, 2 4 6 8 10। इसको जो ये 2 फंदे घटा, इसको छोड़ के 2 4 6 8 10। अब जो बनाएंगे यहाँ से 2 2 फंदे छोड़ते रहेंगे, 9 बार हम फंदे छोड़ेंगे, 9 दूनी 18 फंदे हो जाएंगे। और आपको दिक्कत हो तो यहाँ मार्का लगा लें 2 के बाद छोड़ के, जो फंदे छोड़ने। अब ये 2 फंदे ऐसे छोड़ देंगे, इसको यहीं से मोड़ेंगे। ये याद रहेगा कि ये पहले छोड़े थे, ये फिर 2 फंदे से, ये 2 फंदे जो छोड़ दिए उसको छोड़ के पूरा मोड़ लेना है यहीं से। और फिर यहाँ तक आएंगे बना के ये, और एक उधर से बना के फिर ऐसे ही छोड़ना है, ये फिर छोड़ दिए यहाँ, यहाँ फिर एक निशान लगा। ऊन के टुकड़े छोटे छोटे पड़े होते हैं उसी को ऐसे ये मोड़ दिया। ऐसे हमें 9 बार करना है, 2 4 6 8। अब लास्ट है, अब ये 9वां फंदा यहां से हो गया। अब ये बिन के आएंगे, वहां से सीधे बिनते हुए घटाएंगे फंदे। ये हमारे जैसे ये फंदे कटे हुए हैं, और ये जो हमने ये सेफ दिया है 2 2 करके वो ये है। ये 19 फंदे हैं, 18 फंदे हमें बंद करने हैं। यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे, ये वाला, फिर 6 सिलाई ऐसे जैसे हमने 6 यहाँ बनाई वैसी ही 6 सिलाइयाँ बनानी है। इसको गांठ जरूर लगाएं डबल। ये निकाल दें, देखिए ऐसे सारे निकाल के यहां तक बनाना।
यहाँ गैप है तो इसको ऐसे फंदे को उठा के और इसमें डाल के ऐसे दो का एक कर दे। अब छह सिलाइयां कंप्लीट कर। देखिए इस कलर से हम पूरी सिलाई बनाएंगे, फिर पलटेंगे। जैसे हमने ये दो दो छोड़े थे वैसे ही दो दो करके बिनेंगे, तभी तो हमारा ये मुंडा पूरा होगा। ये अब ये दो फंदे बनाएंगे, फिर इधर ही मोड़ लेंगे। मतलब एक सिलाई हो गया, एक एक जैसे हमने घटाए वैसे ही इसको बनाने। ये दो बिन लिए, अब दो फिर बनेंगे ये। अब फिर यहीं से पलटा, फिर अच्छे बनाएंगे। ऐसे ही हम बनाने यहाँ तक दो दो करके। अभी तीन फंदे रह गए, तीन इकट्ठे बने। अब यहाँ हमें 14 फंदे चाहिए, जैसे पीछे एक पल्ले में 5, 10, 4, 14 पांच फंदे हैं। तीन एक बार में घटा देंगे, दो एक बार। इधर की तरफ घटाएंगे, मुड्डे की तरफ नहीं। एक दो तीन, अब दो घटाए। अभी साथ साथ जैसे पीछे घटाएं वैसे करके साथ साथ फंदे फंदे एक एक बार में बंद करेंगे। दो तीन चार पाँच छः सात
अब जैसे हमने इसमें बनाया सेम वैसे ही उसमें बनाना है दूसरे वाले। देखिए ये मार्का लगा रखा था, उससे ऊपर दो सलाइयाँ डाली हैं। अब इस वाली लाइन में काज बनेगा एक, छह फंदे रह गए, दो फंदे इसको ऐसे घटाएं, बंद कर दें, एक ये दो और चार ऐसे। तो इसमें दो फंदे बढ़ा देंगे, दो बंद किए, एक दो। अभी जो दो फंदे बढ़ाए वो बिने, ये 12 ऐसी सीधी सीधी सिलाइयां बनाने के बाद काज बनेगा एक, चार बार काज बनाने हैं। और यहाँ पे हम जितनी हमने उस वाली जेब लगाई सिलाइयां बना के, उतनी सिलाइयां बनाने के बाद हम ये इसको जोड़ेंगे फिर, जैसे उस पल्ले में जोड़ेंगे। तो ये हमारी यहाँ सिलाइयां पूरी हो गई, एक दो तीन काज। अभी एक सिलाई के बाद यहाँ काज बनेगा, 13 सिलाई हो जाएंगी और यहाँ घटाएंगे। अब दो तीन चार, जैसे हमने आगे के उधर वाले भाग में घटाए थे वैसे इसमें घटा, अब दो घटाएंगे। एक अब इसी सिलाई में यहां काज बनेगा, ये 7 फंदे यहां बनेंगे, 14 फंदे दूसरे कलर के। दो तीन चार पांच छ सात, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 10 13 फंदे इधर। अभी इधर दूसरी ऊन लगाएंगे, यहाँ गांठ जरूर लगा लें। ये 13 फंदे ऐसी डबल गांठ लगाए, ये 14 फंदे जो हैं उल्टे, जैसे हमने ये बनाया ऐसे ही बनाया प्लेन 6 सिलाई। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर भी, कमेंट करके मुझे बताएं आपको पसंद आया या नहीं।
मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऐसा बताऊँ जिससे आपको समझ में आ सके। ऊन को इधर आगे पीछे करके जरूर कर ले, नहीं तो ढीला हो जाएगा वहां से। पहले दो के बाद बढ़ाया था इधर, अब तीन के बाद। दो सिलाई और बनेंगी ये, फिर बंद हो जाए। अब इस सिलाई जो अब की बनाएंगे उसमें फंदा नहीं बढ़ाएंगे, उससे अगली में बढ़ाएंगे। पहले दो के बाद, फिर तीन के बाद, फिर चार के बाद। अभी ऐसी बनाएंगे, ये वाली लास्ट सिलाई है, ये सिलाई कंप्लीट होंगी। अभी इसको इसको काट देंगे। ये फंदे इसी से बनाए, 14 फंदे। यहाँ बांध जरूर देना हो, अब चार के बाद इसमें बढ़ाएंगे। दो तीन चार, देखिए अब इसको भी ऐसे बनाएंगे उल्टे जैसे पहले बना रहे थे। जैसे हमने उसमें फंदे जितने करे वैसे ही सेम इसमें। ये काला देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ से जितनी सिलाई हमने उसमें रखी इतने, ये दो फंदे थे, दो घटाएं, इसके बाद 2 4 6 8 10 ग्यारहवीं सिलाई पे हम इधर से बिनते हुए आएंगे। ये दो फंदे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको नहीं बिनेंगे, यहीं से पलट लेंगे जैसे हमने उस वाले पल्ले में किया आगे के, सेम वैसे ही इसमें करना है। दो दो फंदे करके छोड़ना है। ऐसे बिनते हुए आएंगे उधर से, फिर यहाँ तक बिनेंगे, फिर ये दो फंदे छोड़ देंगे। देखिए ये ऐसे छोड़, 9 बार उस वाले में छोड़ें, 9 ही इसमें, मतलब दो दो करके 9 बार, 18 फंदे हो जाएंगे। अभी यहाँ पे 18 फंदे बंद करेंगे। ये दूसरा कलर लो, ऐसे सारे फंदे बना। अब ऐसे 6 सिलाइयां इसे बनाएंगे। जैसे हमने उसमें फंदा यहां से उठाया था ये गैप, वैसे इसमें भी। इस ऊन को बांध दे, ये कलर इधर से लगाना पड़ेगा इस तरफ। अब जैसे हमने फंदे दो दो करके वो उस वाले भाग में उतारे, वैसे इसमें दो उतार के इधर मोड़ लिए। फिर दो, अब ऐसे ही पूरे कंप्लीट कर। अभी 3 फंदे रह गए, ये भी
अब यहाँ 3 और 2 करके घटाएंगे जैसे उसमें बंद कर। अब 2 घटाएंगे। अभी साथ साथ करके बंद कर दें। इसको मैंने ऐसे सिल दिया जैसे यहां सिला है सब। इसको ऐसे आस्तीन बनाएंगे फिर इसका कलर। आस्तीन में इसमें 30 फंदे हैं और इसमें 20। जैसे हमने इसको बंद किया इसको ऐसे ऊपर रख के बंद करेंगे। 30 फंदे वाले ऊपर 20 वाले नीचे। 5 फंदे यहाँ बंद हो जाएंगे 45 फंदे रहेंगे टोटल। और 1 फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। हर 7वीं सिलाई पे 1 फंदा बढ़ाना है। इसको ये 12 सिलाइयां बनाई है उल्टी। तो ये 5 फंदे रह गए। अब इसको इसके ऊपर रख के बंद कर देंगे जैसे अपने पीछे के उसमें किए। अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी सिलाई ऐसे प्लेन बनाएंगे सीधी सीधी। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे तो 30 इधर और 15 इधर। ये 2 फंदे जो बड़े हैं वो हम ये उतारेंगे। अब देखिए ये 15 फंदे हैं और इधर 30 है। ये 2 फंदे उतारेंगे। इसको मैंने यहाँ पे इसमें सिल दिया ऐसे पीछे भी से सेट हो जाता है। जब पूरी सिलाई बन के तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद इसकी सिलाई खोलते हैं। आप सुई से कर सकते हैं। कैसे बंद कर जहां हमने फंदा बढ़ाया। अगर आपको हो कोई प्रॉब्लम तो आप ऐसे सेफ्टी पिन लगा लें। ये इस सिलाई में हमने बढ़ाया था। देखिए ये हमारी 6 सिलाई पूरी हो गई। 2, 4, 3, 6। इसको लगा इस जिसमें बढ़ाया था इसको छोड़ दिया। ये हमारी 7वीं सिलाई है। फिर 1 फंदा बढ़ाएंगे। अब ये फिर 2 फंदे ही उतारे। अब ऐसे इधर कोने में ऐसे बढ़ाते हुए हम
त्रिपन फंदे हो जाएंगे, यहाँ हमारे 53 फंदे हो जाएंगे और 16 लाइनें ये बनानी है। 16 लाइन बनाने के बाद हम फिर ये डालेंगे, पहले 16 लाइन पूरी करते हैं। हमारे 53 फंदे हो गए हैं, सिलाइयाँ पूरी हो गई। इस वाली आस्तीन में हमने इधर डाला है और इस वाली में इधर, इधर 24 फंदे बनाए पहले, फिर 10 और इधर 21 हैं, और इसमें इधर 24 आएंगे, फिर 10, ये 21 फंदे। अभी मैंने यहाँ तक ये बना लिए, दो फंदे ये उतार दिए, अभी 10 फंदे हम दूसरे कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ दूसरा ऊन लगा, पाँच, 10, 15, 20, 24, फंदे भी बढ़ाते रहेंगे हम, जैसे हम यहाँ से बढ़ाए हमने साथ में, वैसे यहाँ भी बढ़ाए। अब इधर से एक एक फंदा बढ़ाना, एक उल्टी तरफ से बढ़ेगा, एक सीधी तरफ से भी। जैसे हमारा ये 5 फंदे बढ़ाने हैं, तो फंदे उतारे वाले हैं, इसको ऐसे पूरी सीधी, ये दो फंदे ऐसे उतारेंगे। ये 11 फंदे हो जाएंगे, 5, 10, 11, अब 12 हो जाएंगे, एक और इधर की सीधी में बढ़ाएंगे। अभी लास्ट फंदा है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 5, 15। देखिए 15 फंदे हो गए पूरे। अब यहाँ 8 सिलाई के बाद ये घटाएंगे, मतलब उल्टी 8। देखिए 2, 4, 6, 8, फिर एक एक फंदा जैसे हमने बढ़ाया था वैसे एक एक कम करना है। 10 फंदे रह जाएंगे, फिर घट्टे बंद करने, 8 सिलाई बना के फिर घटाते हैं, और साइड में फंदा जरूर बढ़ाते रहिए। ये 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8। अभी 14 फंदे बनाएंगे।
जैसे एक उल्टे पे फिर एक सीधे पे, जैसे हमने बढ़ाया वैसे ही घटा। ये जो फंदा उधर बिना था ये ऐसे बनाएंगे इसको ऐसे। दो फंदे कम, अब इस लाइन में फंदा भी बढ़ेगा, 2 4 6। अब ये लास्ट फंदा है, ये 10 फंदे अभी इधर से ही बनाएंगे। ये 10 फंदे जो है इसी कलर से बनाएंगे, एक ऊन काट देंगे दोनों। अब ये 16 फंदे हैं, सीधे बनेंगे। सॉरी 16 नहीं 15 फंदे थे, 10 फंदे रह गए। देखिए 10 हमने शुरू किए थे, 10 ही है। अब ये 15 लाइनें हम बनाएंगे, उसके बाद ये घटा। अब इसके फंदे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65। 2 अब यहाँ 6 फंदे घटाएं जैसे हमने उसमें पल्ले में घटा। फिर फंदे इधर उल्टी तरफ, दो छह घटाएंगे फिर दो दो करके। अब 2 घटाएंगे, ऐसे दोनों तरफ से घटाएंगे जब तक हमारे यहाँ 11 फंदे रह जाएंगे, फिर कट्टे बंद करें। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार घटाएंगे, 11 इधर 11 इधर, 11 फंदे यहाँ रह जाएंगे, फिर कट्टे बंद करें। पहले 2 फंदे के बाद किया, फिर पूरी प्लेन बनाई उधर से भी इधर से भी। अब ये इसमें 3 फंदे के बाद बनाए, 2 3।
अब ऐसे पूरी यहाँ तक फंदे प्लेन, पीछे से उल्टी सिलाई भी ऐसे ही बनानी है। ये उल्टी तरफ से पूरी ऐसे ही बनाना है। पहले दो के बाद, फिर तीन के बाद, अब चार के बाद एक फंदा बढ़ाएं, अब चार फंदे के बाद दो तीन चार, अब पूरी सिलाई वैसे बनाएंगे प्लेन। एक तरफ की सिलाई ऐसे लगा दी, ये ऊन मैंने लंबी काटी उसी से सिल। ऐसे हम यहाँ तक लगाएं, अब ये गला बन। यहाँ से जो ये 18 फंदे घटाए थे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 15 फंदे उठा दें। ये तीन फंदे घटाए थे वो तीन उठा ले। दो घटाए दोनों उठाने, ये है इसको ऐसे मोड़ के, नहीं तो यहाँ जाली सी है। पांच दस तीन 13 14 देखिए, पंद्रह जैसे हमने यहाँ उठाए सेम वैसे ही यहाँ उठाने, यहाँ तक। अब ये वाले फंदे बनाएंगे और एक एक साइड से उठाएंगे इसमें फंदा। ये बाकी फंदे ऐसे, इसको उनको गांठ लगा लें। अब जैसे उधर कोने पर उठाया था वैसे इधर भी।
अब ऐसे ही 15 फंदे उठाने हैं। ये 2 फंदे तो 2 अब यहां तक उठा लें पहले। अब इधर से पूरी सिलाई प्लेन बने सीधी सीधी। अब इसकी ये सिलाई खोलनी पड़ेगी। अब जो हमने ये 18 फंदे घटाए थे इसमें से 1 फंदा ऐसे करके उठाएंगे। और ये 2 का 1 कर दें। बस इधर भी ऐसी बनाना है इधर भी। अब ये पूरी सिलाई यहां तक ऐसी बनानी है फिर यहां भी उठा के 1 फंदा ऐसा बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमने उधर उठाया था वैसे इधर। फिर ऐसे वहां तक बनाएंगे एक यहाँ कम से कम 5 या 6 फंदे करीब पहले बंद करते हैं। अब ये ऐसे 2 फंदा इधर से छह बार हमें इधर और 6 बार उधर 12 फंदे मतलब 6 इधर बंद होंगे 6 उधर। छठा फंदा अब इधर से ये फंदा करके फिर वहां से उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब इसको ऐसे बंद करेंगे ये सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब इसके बाद उधर से सीधी बस एक ही सिलाई उल्टी बनानी है। 6 सिलाइयां ये बनाई थी सीधी सीधी 2 4 6 फिर 1 सिलाई उल्टी फंदे वैसे ही बनाएंगे। अब फिर वैसे सीधी यहाँ 10 फंदे रह जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 8 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। 18 थे 10 इधर और 10 ही इधर रखने ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर अभी एक और सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है ऐसे हमें 8 सिलाइयाँ बनानी यहाँ 6 हैं ऊपर 8 अभी 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई 2 4 6 8 अब इसे बंद कर देंगे। ऐसे सारे फंदे बंद
इसको ऐसे से धागे को सिलाई लगा रहे, अब आस्तीन जोड़ेंगे। देखिए आस्तीन जो है ये वाला हिस्सा जो है कम, फंदे वाला ये पीछे रहेगा, ऐसे सिले ये वाला, इसका ध्यान रखें दोनों हिस्से, ये भी देखिए पीछे जाएगा और इसमें ये भी, तो ये आस्तीन इधर सिलेगी ये इधर, ये हमने जो 11 फंदे थे उसके आधे करें, ये इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके हम पूरी सिलाई आधी इधर लगा के फिर आधी इधर लगाएं। अब इधर की ऐसे इसको गांठ जरूरी। देखिए एक तरफ की सिलाई ये मैंने लगा दी, वैसे इधर लगाएंगे सीधी तरफ से लगाएंगे सिलाई इसको अंदर। देखिए ये एक फंदा इसका फिर इधर, और इसको खींचिए ना ज्यादा, सीधी तरफ से ही लगानी है हमें पूरी सिलाई, आस्तीनों में भी इसमें भी। अगर आप चाहें तो वैसे भी सिल सकती हैं लेकिन ऐसी फिनिशिंग नहीं आएगी जैसी इसमें है। अगर आप अगर वैसे जैसे ये सिलते हैं स्वेटर ऐसे सिल दी तो यहाँ मोटा मोटा सब ऐसा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी पूरी सिलाई लगाएंगे इसमें, देखिए 3 बटन यहाँ, 4 ऐसे लगेंगे, 2, 4 4 दो 6 मैंने इस वाली सुई है ऐसी पतली उससे सिल रही बटन, मतलब सिलाई भी इसी से लगाई मैंने और बटन भी इसी से लगा रही हूँ। इसको ये 2 ये छोड़ के ये लाइन से हमें लगा, देखिए एक यहाँ रखा एक यहाँ, ऐसे हमें 3 बटन लगा,
अब जेब में लगाना है तो यहाँ पे मोड़ के लगाएं, इसको ऐसे फोल्ड किया, अब यहाँ बीच में लगाएं, दो चार पांच यहाँ लगा, और पीछे लगाएंगे ऐसे, ये इसके बीच में यहाँ लगाए, यहाँ और यहाँ, जैसे और इस साइड में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी करें। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का, टेक केयर, बाय।